हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का पैटर्न देखिए, ये मैंने थोड़े डार्क कलर लिए हैं, बैगनी और ग्रीन। इन दोनों के हेल्प से ये सुंदर सा पैटर्न बनाया है। देखिए, बुनने में ये बहुत ही आसान है, देखने में जितना सुंदर। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह का दिखता है। लेडीज़ कोटी में, कार्डिगन में या फिर बच्चों के स्वेटर में ये पैटर्न बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन भी आप ले सकती हैं। ये देखिए, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा लग रहा है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 14+14 करके, और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेते हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। 8 लाइन में ये पैटर्न कंप्लीट होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 लाइन हमने सेकेंडरी कलर से बुनना है और 2 लाइन में ये वाला पैटर्न बनाना है। 8-8 लाइन पे हमें रिपीट करना है पैटर्न को। फिर अगले 8 लाइन में हम पैटर्न को सेट करते हैं नए जगह पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर। आप 16 लाइन का भी इस पैटर्न को बोल सकती हैं, और 8 लाइन में अगर आप पैटर्न को सेट कर रही हैं तो 8 रो रिपीट पैटर्न भी बोल सकती हैं। पैटर्न बनाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम 14 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 के मल्टीपल में 28 फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। तो 28 और 2 हो गए 30 फंदे, जिन पर अभी हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। आप अपने स्वेटर में 14 के मल्टीपल में फंदों को सेट कर लेंगी। बॉर्डर मैंने वाइट कलर से बुनी है, और उसके बाद देखिए, ये मैंने गाजरी कलर का ऊन इसमें जोड़ा है। और अब हम गाजरी कलर से पैटर्न की बुनाई शुरू करेंगे। पहली लाइन हमारी सेकेंडरी कलर से होगी। देखिए, फर्स्ट रो हमें पूरी की पूरी सीधी बुननी है। टोटल हमें 6 लाइन दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन करके पूरी करनी है सेकेंडरी कलर से। तो यहाँ पर मैंने गाजरी कलर का ऊन एज ए सेकेंडरी कलर सेट किया, तो मैं इस गाजरी कलर से 6 लाइन दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन करके पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर 7th रो में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 लाइन गाजरी कलर से पूरी कर ली। अब हम 7th रो और 8th रो, 7वीं और 8वीं लाइन वाइट कलर से फिर से बुनेंगे। तो ये 7th रो है हमारी, एक फंदा हमारा एज स्टिच हो गया। 8 फंदे और सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, एक फंदा एज स्टिच, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे। अब हमने 1 2 3 तीसरे फंदे के नीचे से, जहाँ से गाजरी कलर का ऊन शुरू हो रहा, वहाँ से एक लूप बनाना है। ये देखिए, यहाँ से फिर से एक फंदा सीधा, सेम उसी जगह से एक और फंदा निकालेंगे और एक फंदा फिर से बुनेंगे, एक और लूप निकालेंगे। ये तीसरा लूप हम निकाल रहे हैं, एक फंदा और बुनेंगे, इसी जगह से हमें फिर से एक फंदा और बनाना है लंबा सा। देखिए, 4 फंदे हो गए एक्स्ट्रा, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब 5वां फंदा निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लंबे फंदे हो गए, एक फंदा बुन लिया हमने। एक और लास्ट 6 फंदे हमें निकालने हैं एक्स्ट्रा वाले, इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं। 6 फंदे हो गए हमारे पास, एक फंदा सीधा। अब देखिए, एक फंदा यहाँ पर हम सीधा बुन चुके हैं, 8 फंदे और बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से तीसरे फंदे के नीचे से रिपीट करेंगे पैटर्न को। एक फंदा निकाला हमने, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा निकाला हमने,
और ये एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा, एक दो तीन चार फंदे हो गए हमारे। अभी दो फंदे और निकालने हैं। ये हमने पांचवा फंदा निकाल लिया, एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा और निकालेंगे सेमी सी जगह से। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारा बन गया पैटर्न। और ये एक एज स्टिच, सेवेंथ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने एट्थ रो बुनना है रॉन्ग साइड में। पहला फंदा आप चाहें तो बुन भी लें या स्लिप कर लें। ये एक फंदा और सीधा, अब देखिए हमारे पास एक ये बुना वाला फंदा है और ये वाला, ये लूप वाला फंदा है और ये बुना वाला फंदा है। अच्छा इस फंदे को भी हमने नहीं बुनना है, पहले हम इस फंदे को ऐसे उल्टा कर लेते हैं और इस फंदे को भी इस तरफ से डालकर ऐसे उल्टा कर लेते हैं। अब दोनों फंदों को एक साथ पीछे ऐसे इस तरफ से, ऊन हमारा आगे रहेगा और ये दोनों फंदे इस तरफ से बुनेंगे। एक हमारा एज स्टिच, उसके बाद दो फंदे एक साथ, फिर से ऐसे और इस फंदे को भी ऐसे कर लेंगे बाईं सिलाई पर डालकर नीचे की तरफ से ऐसे। दो जोड़े हमने बुन लिए, ये तीसरा जोड़ा है इस तरफ से। चौथा जोड़ा हो गया, पांचवा जोड़ा अब हमने बुन लेना है। छह फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए थे तो छह जोड़े हमें बुनने होंगे। ये देखिए ये छोटे जोड़े हमने बुन लिए। अब ये जो सिंपल वाले फंदे हैं इन्हें सिंपल तरीके से उल्टा बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे उल्टा बुनने के बाद फिर से पैटर्न दोहराएंगे। देखिए पहले फंदे को ऐसे, फिर लंबे वाले फंदे को ऐसे, अब दोनों फंदों को बाहें सिलाई पर डालकर नीचे की तरफ से। एक जोड़ा हो गया हमारा, ये दूसरा जोड़ा, टोटल छः जोड़े हमें बुनने हैं, छः बार दो दो फंदे करके, ताकि जो दो छः फंदे हमने बढ़ाए हैं वो घट जाएं। इन दोनों को भी ऐसे ही पीछे से बुन लेंगे और इन दोनों को भी, छः फंदे हमने घटा लिए, बचे हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा आठ लाइन में। अगले आठ लाइन में हम पैटर्न को रिपीट करेंगे जगह को चेंज करके। कैसे करना है मैं बता रही हूँ, ये देखिए फिर से हम छः लाइन इस सेकेंडरी कलर से बुनेंगे दोनों तरफ से सीधा। नाइन्थ रो है हमारी गाजरी कलर से, सारे फंदे सीधे, छः लाइन टोटल हमें बुनने होंगे पैटर्न को रिपीट करने के लिए। हम छः लाइन बुन लेते हैं फिर देखते हैं कैसे कैसे पैटर्न को सेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आठ लाइन में पैटर्न बनाया था और उसके बाद छः लाइन दोनों तरफ से सीधा सीधा हमने बुना था। अब हम फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर। वाइट कलर से बुनाई करते हैं, फिफ्टींथ रो है हमारी, छः लाइन हम बुन चुके हैं सेकेंडरी कलर से, दो फंदे सीधे। अब हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे दो फंदे बुनने के बाद, तीसरे फंदे के नीचे से रिपीट करेंगे पैटर्न को, एक फंदा एक्स्ट्रा एक सीधा, फिर से एक फंदा एक्स्ट्रा एक सीधा, एक फंदा एक्स्ट्रा
एक सीधा, छह फंदे हमें एक्स्ट्रा निकालने हैं, तीन निकाल चुके हैं, अब चौथा बाएं सिलाई के हेल्प से। फिर से एक फंदा सीधा, चार फंदे हो गए हैं एक्स्ट्रा, ये पांचवा। एक फंदा और, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हो गए हमारे। इसके बाद एक फंदा हम बुन लेंगे, हमारा ये पैटर्न बन गया। आठ फंदे सीधे, ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया, अब आठ फंदे सीधे बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो बीच में टोटल नौ फंदे हो गए। एक फंदा इस पैटर्न के साथ हमने बुन लिया था और आठ फंदे सीधे। अब हम फिर से पैटर्न दोहराएंगे तीसरे फंदे के सबसे नीचे से, एक एक्स्ट्रा एक सीधा, फिर से एक एक्स्ट्रा एक सीधा, फिर से एक एक्स्ट्रा फंदा एक सीधा, फिर से एक एक्स्ट्रा फंदा। टोटल छः फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए, चार हो गए, पांचवा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए। अब बचे हुए फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। आठ नौ, नौ फंदे इधर बच गए। ये देखिए ये हमारा पैटर्न रिपीट हो गया। और जब हम और आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।